पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल बाय हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड आल्सो डिटरमिनेंट्स मेथड। तो देखते हैं क्या मेथड होता है, कैसे सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट प्रोसेस। डिटरमिनेंट प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे आज हम लोग बात करेंगे, डिटरमिनेंट प्रोसेस से सॉल्व करने के टेक्निक को बेस्ड ऑन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम डिटरमिनेंट्स मेथड, किस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट्स मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए इस पैटर्न को, नाउ वी कंसीडर दो इक्वेशन लेते हैं, टू वेरिएबल बेस्ड ऑन टू वेरिएबल एंड बेस्ड ऑन थ्री वेरिएबल। सो दिस नाउ वी कंसीडर फॉर एग्जांपल ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस इक्वल ऑफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल ऑफ डी वन एंड अदर इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल ऑफ बी टू। क्लियर? सो डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, वो आपसे बोला जाए सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाई हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स मेथड। सो हाउ कैन यू डिफाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन ए डिटरमिनेंट्स डेल्टा इक्वल हुज मेड बाय हेल्प ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। सो दिस ए वन एंड ए टू आल्सो दिस बी वन एंड बी टू आल्सो टेकन डेल्टा वन, डेल्टा वन बी द अदर डिटरमिनेंट्स हैविंग फर्स्ट रो इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट डी वन डी टू, इस फॉर्म में फॉर्मेट कर लेंगे बी वन एंड बी टू। आल्सो टेकन डेल्टा टू, डेल्टा टू इक्वल ऑफ ए वन ए टू आल्सो दिस बी वन एंड बी टू। ये तीन काम कर लेंगे लीनियर इक्वेशन को देख करके। इसके बाद क्या करेंगे, नाउ डिफाइन नाउ टेकन डेल्टा इक्वल इफ डेल्टा इक्वल नॉट जीरो, इन दी केस डेल्टा इक्वल क्या आ जाए आपको मिले डेल्टा इक्वल नॉट जीरो देन कितनी बातें आप क्लियर करेंगे, डेल्टा इक्वल नॉट जीरो देन लीनियर सिस्टम, देन लीनियर सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, लीनियर सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। तो लीनियर सिस्टम अपना क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा एंड हैविंग यूनिक सोल्यूशन, और सोल्यूशन कैसा होगा हैविंग यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे, इफ डेल्टा इक्वल जीरो तब आप क्या करेंगे, इन दी केस डेल्टा इक्वल जीरो आ जाता है देन सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा होगा सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। आल्सो हैविंग नो सोल्यूशन, उस पोजीशन में जब डेल्टा की वैल्यू आपके पास जीरो की इक्वल आने लगे सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैविंग नो सोल्यूशन, एंड हैविंग नो सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, हैविंग नो सोल्यूशन तब इसे सॉल्व नहीं करना होगा। बट इन दी केस डेल्टा इक्वल नॉट जीरो मिलेगा तो आप दो तरह का निर्णय बताएंगे, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट आल्सो हैविंग यूनिक सोल्यूशन। सो हाउ कैन यू डिफाइन इट सोल्यूशन, इसके लिए आपको एक फार्मूला रेडी कर लेना होगा। नाउ सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ एक्स इक्वल फॉर्मेट याद रखें डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, आल्सो वाई इक्वल ऑफ डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। इस टेक्निक को बोलते हैं नाउ अप्लाई क्रेमर्स रूल, नाउ अप्लाई क्रेमर्स रूल, कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे क्रेमर्स रूल, नाउ अप्लाई क्रेमर्स रूल। सो एक्स इक्वल डेल्टा वन अपॉन डेल्टा,
also y equal of delta 2 upon delta. So this x equal delta 1 means d1 d2 d1 d2 also this b1 b2 also this b1 b2 upon of delta. डेल्टा आपके पास है ए वन ए टू बी वन बी टू एंड वाई इक्वल ऑफ दिस ए वन ए टू आल्सो दिस डी वन डी टू अपॉन ऑफ दिस डेल्टा डिफाइन करेंगे और एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी. अब एक न्यूमेरिकली वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिकली एग्जाम्पल देखते हैं. एक क्वेश्चन बोलिएगा जो फर्स्ट टू वन टू फोर में लिखा हो फॉर न्यूमेरिकली प्रॉब्लम. एग्जाम्पल बोलो जल्दी से, क्वेश्चंस दिया होगा. देखें टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन एक लेते हैं दिस 2x माइनस y इक्वल 5, 2x माइनस y इक्वल 5 आल्सो दिस x प्लस y इक्वल ऑफ 4, x प्लस y इक्वल ऑफ 4 देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डेल्टा इक्वल 2 1 माइनस वन एंड टू वन माइनस वन एंड वन वैल्यू ऑफ डेल्टा आल्सो टेकन डेल्टा वन इक्वल फाइव फोर डी वन डी टू फाइव एंड फोर दिस माइनस वन एंड वन माइनस वन एंड वन. इसकी वैल्यू भी आप डिफाइन करते जाइएगा, सिंपल है. डेल्टा इक्वल टू प्लस वन मीन्स थ्री, डेल्टा वन इक्वल ऑफ फाइव प्लस फोर इक्वल ऑफ नाइन आल्सो टेकन डेल्टा टू इक्वल ऑफ दिस. डेल्टा टू मीन्स ए वन ए टू टू एंड वन आल्सो दिस डी वन डी टू मीन्स फाइव एंड फोर फाइव एंड फोर. सो सॉल्व इट, फोर टू जा एट माइनस फाइव इक्वल ऑफ थ्री दे आर फोर सोल्यूशन ऑफ दिस. यहां लिखता हूं सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स नाउ अप्लाई क्रेमर्स रूल दे आर फोर बाई क्रेमर्स रूल. देखिए ऊपर कॉन्सेप्ट में लिखा है क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे. एक्स इक्वल ऑफ डेल्टा वन अपॉन ऑफ डेल्टा, वाई इक्वल ऑफ डेल्टा टू अपॉन ऑफ डेल्टा आल्सो दिस इज इक्वल डेल्टा वन अपॉन डेल्टा मीन्स नाइन बाई थ्री, नाइन बाई थ्री इक्वल ऑफ थ्री आल्सो वाई इक्वल ऑफ डेल्टा टू अपॉन डेल्टा. सो दिस थ्री अपॉन थ्री दिस इज इक्वल वन. सो दिस वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन इक्वल वन, वैल्यू ऑफ वाई ऑब्टेन इक्वल टू, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल थ्री एंड आल्सो वाई इक्वल वन. इसको आप वेरीफाई भी कर लेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी क्लियर है राइट और रॉन्ग. इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखें, एक्स इक्वल थ्री वाई इक्वल वन फाइव, एक्स इक्वल थ्री वाई इक्वल वन करेक्ट आंसर. तो इस टेक्निक को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स मेथड. क्या करना है आपको, सबसे पहले जो वेरिएबल टर्म है उसके कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट्स रेडी करेंगे जिसको नाम आप दे देंगे डेल्टा, विच इज अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ए वन बी ए टू एंड बी वन बी टू आल्सो टेकन डेल्टा वन, डेल्टा वन इक्वल डी वन डी टू आल्सो सेकेंड कॉलम बी वन बी टू मीन्स डेल्टा वन में एक्स वेरिएबल के कॉफिशियंट को आप रिमूव कर देंगे, कांस्टेंट कॉलम वहां पर आप इन्वॉल्व करेंगे. सिमिलर ट्रिकन डेल्टा टू आफ्टर डिफाइन नाउ अप्लाई क्रेमर्स रूल. साथ में और भी एक काम कर लेंगे, डेल्टा इक्वल को चेक करेंगे. इन दी केस डेल्टा इक्वल नॉट जीरो आता है तो आप बोलेंगे सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो आगे सॉल्व करेंगे. अदर वाइज आपके पास ये वैल्यू डेल्टा इक्वल नॉट इक्वल जीरो मिल जाता है तो आप बोलेंगे सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट आल्सो हैविंग नो सॉल्यूशन. तो ये आपके पास टू वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम थी, देखो कितने फास्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं. अभी अदर कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, अपने थ्री होंगे, उसका भी टेक्निक देखें कैसे सॉल्व करेंगे. देखो फर्दर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम डिटरमिनेंट्स मेथड, डिटरमिनेंट्स मेथड से थ्री वेरिएबल के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आपसे बोला जाए सॉल्व दिस बाय हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड तो आप क्या करेंगे, और डिटरमिनेंट्स मेथड कुछ ना बोला जाए तो आप इस मेथड को यूज करेंगे. इस रूल का नाम होता है क्रेमर्स रूल. सो नाउ वी कंसीडर इफ लीनियर सिस्टम
if linear system given in this form a1x plus b1y plus c1z equal of d1, also other equation a2x plus b2y plus c2z equal of d2, also other a3x plus b3y plus of c3z equal of d3, clear? So taken first of all delta. Now delta be the coefficient determinants whose made by coefficient of variable. So this x variable a1, a2, also this a3, second column, b1, b2 and b3, also this c1, c2 and c3, clear? And delta 1 कैसे define करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें. Delta 1 equal first column को आप remove कर देंगे delta कॉलम डिटरमिनेंट से, उसके प्लेस पर कांस्टेंट कॉलम बना देंगे जो राइट साइड लिखा है, मींस d1, d2, आल्सो दिस d3, b1, b2, आल्सो दिस b3, c1, c2 एंड c3. सिमिलरली टेकन डेल्टा 2 इक्वल, डेल्टा 2 में आप क्या करेंगे बोलो, आप लोग बताएंगे. डेल्टा 2 के लिए आप क्या करें, y के कोएफिशिएंट मींस सेकंड कॉलम डेल्टा का रिमूव कर दीजिएगा, a1, a2, also this a3, this d1, d2, d3, also this c1, c2 and c3. Now define value of delta 3. Delta 3 equal a1, a2, a3 and b1, b2, b3, this c1, c2 and c3. Clear? Now taken, फिर से यहां पर आप डिफाइन करेंगे उसी पैटर्न से, इफ डेल्टा इक्वल जीरो, इंद्री के हिसाब को डेल्टा इक्वल जीरो मिलेगा तो आप क्या डिसीजन लेंगे, इफ डेल्टा इक्वल जीरो देन सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट. सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और जब कभी सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा उस ड्यूरेशन में उस लीनियर सिस्टम का कोई हल नहीं होगा और आप तुरंत छोड़ देंगे और लिखेंगे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं देंगे उसका, याद रखेंगे इस पॉइंट को. इन दी केस इफ डेल्टा इक्वल नॉट जीरो तो क्या बोलेंगे आप, देन सिस्टम विल बी, देन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट. तो हमारे पास सिस्टम कैसा होगा बोलो, देन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, और क्या बोलेंगे, हैविंग यूनिक सोल्यूशन, और सिस्टम का सोल्यूशन क्या आएगा, हैविंग यूनिक सोल्यूशन. ये दो पॉइंट आप दिमाग में रेडी रखें, क्लियर, सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन. सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ सोल्यूशन, नाउ फ्रॉम क्रेमर्स रूल, फिर से आप क्रेमर्स रूल अप्लाई कर देंगे. क्रेमर्स रूल क्या होता है, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, एक्स इक्वल ऑफ डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई इक्वल ऑफ डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, आल्सो दिस जेड इक्वल ऑफ डेल्टा वन डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं. क्या ये पैटर्न क्लियर हुआ है, इफ गिवन लीनियर सिस्टम बेस्ड ऑन थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, देन इफ फॉर्म ऑफ, फिर से मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूं, फॉर्म ऑफ द लीनियर सिस्टम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल डी टू, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल ऑफ डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल ऑफ डी थ्री, देन डिफाइन डेल्टा, डेल्टा वन डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री अकॉर्डिंग टू दिस, डेल्टा थ्री दिस, डेल्टा वन this delta 1, this delta 2, this delta 3, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर क्या आएगा d1, d2 and this d3, क्लियर, डिफाइन करेंगे d1, d2 and d3. अब क्या करें भाई, न्यूमेरिकली एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखो बात करते हैं आपस में न्यूमेरिकली एग्जाम्पल लेकर के, देखो अपने पास कैथोलिक शॉर्ट में आ रहे हैं,
तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा इस रेंज में, इतने के अंदर कवर करेंगे और प्रैक्टिस आप कंप्लीट करें इतने उससे। फॉर एग्जाम्पल्स एक क्वेश्चन आप भूलिएगा, फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन थ्री वेरिएबल, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, अब आप अपने कंसंट्रेशन मेंटेन करें। सो दिस नाउ वी टेकन क्वेश्चंस 1-1 12, इसमें देखो आप लोग 12 का आंसर है क्या नहीं है, 12 में देखो कुछ आंसर दिया है, जल्दी देखो ना इनकंसिस्टेंट हो जाए। कैलकुलेशन छोटा होगा। देखिए क्वेश्चंस आप लोगों से मैं शेयर करता हूं, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। x-y+z=4 एंड अदर लीनियर सिस्टम 2x+y (2x+y-z) = 2x+y-3z (2x+y-3z) = 0। आल्सो थर्ड इक्वेशन x+y+z = 2x+y+z = 2। आपसे बोला क्या जा रहा है, सोल्व दी फॉलोइंग लीनियर सिस्टम बाय हेल्प ऑफ दी डिटरमिनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग दी फोर वैल्यूज। सो दिस डेल्टा इक्वल डिफाइन कीजिएगा। डेल्टा इक्वल मीन्स डिटरमिनेंट्स बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। सो दिस 1, 2 एंड 1 आफ्टर दिस सेकेंड कॉलम -1, 1 एंड 1 -1, 1 एंड 1 आल्सो दिस थर्ड कॉलम 1 वेयर कोएफिशिएंट ऑफ जेड 1-3 एंड 1 आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिएगा डिटरमिनेंट्स को, देखो मैं सॉल्व करता हूं। 1 × 1+3 मींस क्या जाएगा 4। दिस अकॉर्डिंग टू R1 एक्सपेंड कर रहा हूं, दिस 2+3 = 5 ऑल्सो दिस --+5 दिस 2-1 1 दिस 1 4+5 9 = 10। नो फर्दर डिफाइन वैल्यू ऑफ दिस एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 1 × 1+3 = 4 क्लियर। सो दिस --+2+3 = 5 यस। दिस एंड दिस 2-1 क्लियर इक्वल नॉट जीरो। आप इस कॉन्सेप्ट को देखें डेल्टा इक्वल नॉट जीरो, अपना लॉजिक क्या बोलता है, व्हेन ऑब्टेन डेल्टा इक्वल नॉट जीरो देन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अपना, साथ में सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यूनिक सोल्यूशन आ जाए तो हाउ कैन यू डिफाइन यूनिक सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, देन ऑलवेज अप्लाई क्रेमर्स रूल व्हेन सॉल्व गिवन लीनियर सिस्टम बाय हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स। व्हाट इज व्यू ऑफ हियर क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल इंडिकेट x = this y = this z = this। सो डिफाइन वैल्यू ऑफ (delta 1, delta 2, and delta 3) therefore consistent, short में लिख रहा हूं बट ऐसी डिमांड नहीं है questions की, consistent and unique solution। दो तीन बातें आपकी क्लियर होगी, सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो गया, यूनिक सोल्यूशन भी है। तो डिफाइन (delta 1) = मेरे साथ आप काम कीजिएगा। (delta 1) means आप C1 कॉलम डेल्टा का रिमूव कर दीजिएगा, इसके प्लेस पर कॉन्स्टेंट 402 दिस -1, 1 एंड 1 आल्सो दिस 1-3 एंड 1 एंड नाउ सॉल्व इट। इसको एक्सपेंड कीजिएगा, देखे 4 × R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ, 4 × 1+3 4 × 4 = 16 क्लियर। दिस --+1 सो दिस एंड दिस 0+6 0+6 आल्सो दिस +6 दिस +1 देखिए दिस -2
इक्वल ऑफ 16 प्लस 6 माइनस 2 22 दिस 20 क्लियर। आल्सो डिफाइन डेल्टा 2, डेल्टा 2 फॉर में डिटरमिनेंट, रिमूव C2 कॉलम फ्रॉम डेल्टा 1 2 1 1 2 एंड 1 एंड एट द प्लेस ऑफ C2 पुट कांस्टेंट टर्म 402 40 एंड 2 आल्सो दिस 1 माइनस 3 एंड 1 माइनस 3 एंड 1 नाउ फर्दर डिफाइन वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू आर 1 1 इंटू 0 प्लस 6 मीन्स 6 दिस माइनस 4 दिस 2 प्लस 3 2 प्लस 3 मीन्स 5 5 4 जा माइनस 20 फर्दर दिस एंड दिस 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 5 यस माइनस 20 आल्सो दिस 1 इंटू 4 माइनस 0 मीन्स प्लस ऑफ 4 सो दिस 6 4 जा 10 मीन्स माइनस 10 दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 नाउ डिफाइन डेल्टा 3 डेल्टा 3 इक्वल देखो इधर डेल्टा 3 रिमूव कॉलम C3 फ्रॉम डेल्टा 1 2 एंड 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 1 एंड 1 आल्सो C3 कॉलम 4 0 एंड 2 रिमूव करेंगे 4 0 एंड 2 नाउ डिफाइन वैल्यू ऑफ दिस देखिए इसको फिर से एक्सपेंड कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू R1 मैं कर रहा हूं आप फ्री है जैसी भी चाहे वैल्यू डिफाइन कीजिएगा 1 इनटू दिस 2 2 दिस प्लस 1 4 4 वन या 4 आर टू दिस 4 प्लस 2 माइनस 1 1 सो दिस 4 4 4 जाए इक्वल ऑफ 10 क्लियर। आपने देखा आपको वैल्यू डेल्टा दिस डेल्टा 1 दिस डेल्टा 2 दिस आल्सो डेल्टा 3 सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम अप्लाई क्रेमर्स रूल अकॉर्डिंग टू देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल अप्लाई की जाएगा क्रेमर्स रूल एक्स इक्वल ऑफ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा आल्सो इक्वल डेल्टा 1 मीन्स 20/10 20/10 दिस इज 2 देखो x की वैल्यू आपके आगे सिमिलर टेकन y इक्वल ऑफ डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा डेल्टा 2 मीन्स माइनस 10 सो दिस माइनस 10/10 आल्सो दिस माइनस 1 आल्सो z इक्वल ऑफ डेल्टा 3/डेल्टा डेल्टा 3/डेल्टा मीन्स क्या आ गया डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 10/10 इक्वल ऑफ 1 therefore required solution of the given problem आपके सामने है क्या solution आ गया this delta x equal this x value of x this value of y also this value of z आप देखिए इसको verify करके linear system में put कीजिएगा x equal to yes 2 y equal minus 1 3 z equal 1 4 LHS equal RHS satisfied फर्दर चेक इन सेकेंड इक्वेशन एक्स इक्वल टू मीन्स 4 दिस माइनस 1 3 दिस 1 0 वेरी गुड देखो ये आपका आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पैटर्न होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दिस बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दिस बहुत फास्ट में भी सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड का नाम क्या है जिससे हम x एंड y डिफाइन करते हैं x इक्वल डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इन नोन एज क्रेमर्स रूल। इसे अप्लाई कब करते हैं व्हेन एनी टाइम सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम आल्सो हैविंग नेचर कंसिस्टेंट। चलो आज की बात हम लोग यहां पर फिनिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में लेट नेक्स्ट लेक्चर में मींस कल की डेट में हम आपको फिर से बताएंगे आपके बीच पर से आएंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम बाय हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें इन दी केस बोर्ड एग्जाम में आता है सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम बाय हेल्प ऑफ दी मैट्रिक्स मेथड देन हाउ कैन यू सॉल्व इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फिर से कल से मिलते हैं तब तक के लिए ओके बाय बाय।